Hello guys, welcome back in Manvi's Zone. This is Man. And actually, we are going to react on the product sold online. Online shopping. Yes. You did. Lee does lots of online shopping. मैं online payment करता हूँ, shopping नहीं करता. करता है online shopping भी करता. मैं क्या online? मेरे को shopping करनी आती नहीं है. We always do online shopping. बस I love window shopping क्योंकि मुझे जाकर explore करने में ज़्यादा मज़ा आता है. बट वीर को ऑनलाइन शॉपिंग में ज्यादा मजा आता है. सच में यार, वैसे लड़कियों के साथ अगर आप जा रहे हो ना तो 3 घंटे तो वो सर्च करेंगी और वो सर्च करने के बाद वो पसंद आया और फिर वो कहते नहीं इतना अच्छा भी नहीं है. मतलब यार हद हो गई, मतलब पूरा टाइम ढूंढा और फिर मिला नहीं. वही बात है वो पंचनामा की, वो उसमें वो जो बोले 2 हफ्ते से बोला चंद्र मैं बोलते मेरे को डायलॉग पर्दा पर्दा 2 हफ्ते से बोला कर्टन साले फिर 2 घंटे मॉल में बिता के एक सड़ी सी चप्पल उठा के ले और फिर 2 हफ्ते दिमाग चाटे की टेबल लेना टेबल हाँ पर्दा लेना टेबल लेना टेबल लेना फिर बग इतने मेरे घर में कि उन्हें बेचने चले जाओ तो महीने भर का खर्चा निकल आए. अच्छा, ये वीडियो थी तो वो सोल्ड. आपने ऑब्वियसली बात है कुछ प्रोडक्ट ऐसे ऑनलाइन परचेज की होगी जो लेने के बाद आपको लगता है यार ये क्या आ गया, ये तो मैंने कुछ और देखा था और ये कुछ और मिल गया मुझे. और कई बार लोग ऐसे करते हैं, मैंने बहुतों को अनबॉक्सिंग करते हुए देखा कि बॉक्स में कुछ होता ही नहीं है. वो तो फ्रॉड्स वगैरह के साथ हो जाता है उनके साथ. देखते हैं डब प्रोडक्ट्स क्या है, क्योंकि बहुतों के साथ होता है कि कुछ डब प्रोडक्ट्स आते हैं. तो यहाँ पे ऑनलाइन क्या लिया है और क्या डब प्रोडक्ट्स निकले वो देखने के लिए डायरेक्टली गोज टू हेवी गो. ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग जहाँ जरूरत से कुछ ज्यादा ही मिलता है और हम खरीद भी लेते हैं डिस्काउंट पे, तो हमें कचरा भी दो ना तो हम वो भी ले लेंगे. ट्रू. ये तूने मंगाया है? हाँ, डिस्काउंट पे था. कौन पहनेगा ये? तू साइज 2 to 4 years. 2 to 4. ये भगवान, ये तो आधे में खत्म. सच में खा दिया मेरी. ऑनलाइन 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 शॉपिंग. एक तो आजकल लड़कियों से ज्यादा डिलीवरी बॉयज आ जाते हैं घर. मेरे कच्छों का साइज तक रटा हुआ यार इन्हें, इतना तो मेरे पापा को भी नहीं पता. और कुछ दुकान वाले तो हार ही मान चुके हैं. भैया एक आलू देना. बेटा ऑनलाइन ले ले. अरे मैं पैसे दे रहा हूँ. एक ही धूप और टमाटर का सूप. जियोनी का. अब होम डिलीवरी इतना आगे पहुँच चुका है कि कभी सुबह सुबह करने में आलस आया ना तो टट्टी तक दे जाते हैं. गाय का, हाथी का और कॉम्बो पैक. भाई हल्दीराम भी शर्मा गया ये मेन्यू देख के. $1 भाई, हमारे यहाँ एनिमल खुद घर के सामने आके ताजा करके जाता है फ्री में. सबसे काम की चीज मिलती है OLX पे. ठेला विद ऑसम लुक. Hela with 4 tires and handsome look. Oof, so handsome. भैया ने तो दिल ही घुमा दिया. Hela है या Tom Cruise? भैया इसी चलाओ. गर्मी हो रही है. और अब तो ठेला बनने का भी कट ऑफ है. सिर्फ 8वीं और 10वीं पास भाई, गवार ठेले नहीं चलते. कोई अपना लाइसेंस बेच रहा है, कोई गद्दे की रुई निकाल के बेच रहा है. बैंकॉक अंडरवेयर फॉर मेन. वहाँ लोगों को मच्छरदानी पहनने का शौक है क्या? और ठग्गू 400 में 3 का सेट आ जाता है. लेने वाला ही मैसेज करे, बाकी टाइम वेस्ट ना करे. नहीं, मुझे तो जैसे बहुत ही शौक है OLX पे बेमतलब के गप्पे लड़ाने का. हाय OLX के अजनबी, आपने खाना खाया? बहन की शादी हो गई. अब एक तो यार सिंपल से सिंपल चीजों की भी 1000 वैरायटी मिलती है. जैसे तकियों में टोपी तकिया, भुट्टा तकिया और ऑस्ट्रिच पिल्लो. जो ऑस्ट्रिच जैसा कहाँ से है मुझे पता नहीं. अच्छा, ये क्या मजाक है? कैमरा उधर है. छेद गलत नहीं लग रहा थोड़ा? पता नहीं था कि मंकी कैप से भी भद्दी चीज बनाई जा सकती है. सर बुझाने के लिए 2 छेद भी बने यहाँ पे. परफेक्ट गिफ्ट फॉर लवर्स एंड फ्रेंड्स. आखिर पेन हलवे तेरा चेहरा ही नहीं देखना. 1000 रुपए में डाकू डकैत वाला लुक चाहिए तो ये सही है. वो इंडिया में ये पहन के सोने मिलेगा. भैया चिल्लर नहीं है, कहीं और दुकान लगाइए. कौन सी बीमारी है? आप डॉक्टर हो? नहीं. तो निकलो ना फिर. जादू, मुझे जादू चाहिए. क्या आप सिंगल है? क्या लड़के आपको मलिंगा समझकर सिर्फ बोलिंग कराते हैं? क्या आपके बेड पे है खाली जगह? नहीं. तो पेश है बॉयफ्रेंड तकिया जो है बिना सर पैर का लिटरली. ये क्या है? मैं ना सिंगल ही ठीक हूँ. हम लड़कियों को यही तो चाहिए, एक चौथाई मर्द का शरीर फॉर्मल में. क्योंकि लगना नहीं चाहिए ना कि आप किसी बेरोजगार के साथ हो. कि बगलों में थोड़ा डीओ मार पहले. अरे नहीं नहीं फॉग नहीं. और अगर आप घटिया जोक्स पे कोई ताली नहीं दे रहा तो है ये कॉम्प्रेस इंस्पायर्ड हाथ जिसका साइज एकदम परफेक्ट है. देखते हैं ये कैसे हाई फाइव देता है.
Come on, yes, you can do it. क्या तुम? दे ताली तेरी मूछ काली. हम तो उड़ गए. अरे कहाँ उड़ गया? फिर उठा के लेके आओ. आजकल इन्हें बहुत मजा आता है सिंपल चीजों को जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट करने में. जैसे ये भाई, ये ब्रश है कि हथियार? हैंडल पे एक और हैंडल. ऐसी प्रॉब्लम क्यों सॉल्व कर रहे हो जो है ही नहीं? यहाँ तो मिस इंडिया चल रहा है, ब्रश को फिल्म फेयर अवार्ड बना दिया. मतलब इससे अपने मसूड़े घिसने में ना बंदा ही शर्मा जाए. अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक मासूम से स्ट्रॉ में भी स्वैग घुसाया जाए. पार्टी टाइम सिली स्ट्रॉ. लग रहा है जैसे माँ बाप से छुप के दारू पी रही है. सीधा पी सकते थे पर नहीं, बैठ के इसका सनग्लास बनाओ पहले. कहाँ से है भाई? तैयारी तो ऐसे जैसे अभी स्कूबा डाइविंग करने वाले. यार तू क्या वहाँ से जाएगा? ओ ये पूरे धरती का चक्कर काट के आएगा ये. दुनिया इतनी बदल गई है कि लोग दूसरों से ज्यादा खुद से परेशान रहते हैं कि हाय मेरी जॉलाइन, हाय मेरी हेयरलाइन, हाय मेरे चेहरे का सरकमफेरेंस, कब बनूंगा उस इंस्टा मॉडल जैसा. अपने पिछवाड़े तक से लोग खुश नहीं है यार. फेक बट अंडरगार्मेंट. लग रहा है जैसे 5 साल से किसी ने डायपर नहीं बदला. ये पहन के सोफे की तो जरूरत ही नहीं. अगर ये हो सकता है तो मैंने एब्स ही मंगा लिए. कितने रियलिस्टिक है ना, कड़ी मेहनत से बनाए गए ये एब्स. 1001, 1000 तो जो हेल्प करेगा प्रेशर बनाने में. फ्लाइंग बीस्ट. मैं ऐसा मारूंगा. अब आओ. क्या वो नीचे वालों का डिलीवरी कल है? अब आयशा ताकिया ने काटा तो पता आप कैसे लोगे? ये है की होलसेल आसाद फेसलिफ्ट टूल का सिलिकॉन रबर रैकिंग फेसलिफ्ट राउंड आसल टाइटनर एंटी एजिंग एंटी रिंकल यूटी. क्या एक बार फिर से बोल. भाई ये नाम था कि भजन. मिनिस्टरों से ज्यादा वादे तो इन्होंने कर रखे हैं. एंटी एजिंग एंटी रिंकल. बूढ़ों को 5 साल का दिखना है और बच्चों को बूढ़ा बनने का शौक चढ़ा हुआ है. जीभ भी दी है साथ में पर इसका करना क्या है पता नहीं. ऐसे नकली जीभ. और नाक की सुंदरता के लिए है नोज अप. मेक योर नोज मोर ब्यूटीफुल. अभी तक तो हमारे नाक डिप्रेशन में थे, ये चिमटा सुंदर बनाएगा. भाई इससे ढंग से कपड़े भी ना सूखे. इसका दूसरा मॉडल भी है. ये लड़की बस नाक बन करके मौत का इंतजार कर रही है. सास तक नहीं आ रही भाई. मतलब सुंदरता के चक्कर में बंदा घुट के मर जाए. प्रोफेशनल प्लास्टिक सर्जरी. असली बदलाव तो 50 रुपए के चिमटे लाएंगे. पता है ये किस काम का है? So that's it for today, guys. अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना. Amazon के इतने सारे बिल्स. यही वो पल था जब उसे रियलाइज हुआ कि उसने सारी YouTube मनी इस वीडियो में बर्बाद कर दी. सच में? ये एक बज गया. 52 दिमाग फोटक हगने के तरीके. अबे पॉट है कि सिंहासन? ये होता है शादी के बाद. किसने मंगाया? हाँ किसने मंगाया? Amazon का पासवर्ड चेंज करो. मैं सच में सोच रहा हूँ यार कि मतलब इसने इतने सारे प्रोडक्ट सीरियसली मंगाए हैं. वी वांट रियली वांट टू शो कि कुछ प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल ही ऐसे डब होते हैं. सही बात है. मेरे को एक प्रोडक्ट पसंद है. देखो अगर वो बोल देते उसको पर्सनली वो लोग नहीं करते तो शायद उतना मजा नहीं आता. बट उन्होंने वो प्रोडक्ट खुद भी लाके उसको खुद एक्सपीरियंस किया है. देन अपना जो उनके साथ एक्सपीरियंस है वो शेयर किया. बट वो बाल, मैं मेरे को वो बाल बहुत पसंद है. वो जैसे जैसे तुम्हारी नकली बाल नहीं है अभी तुमने पहने. मेरे नकली बाल नहीं है ये, मेरे असली बाल है. असली बाल नहीं समझ गया. इतने बुरे असली हो सकते? मैं वो बता रहा हूँ कि आते नकली बाल व्हाइट वाले वो तुम्हें पहना कर बिठाओ. आई हैव टू विक्स. व्हाइट कलर की दो. मेरे को व्हाइट कलर वाला अच्छा लगता है. दो डार्क कलर अभी है तुम्हारे पास? दिखाओ. No. यार मैं विक पक्का देखूंगा आज. मेरे को विक लगा के मैं वीडियो बैठूंगा अगली वीडियो में. That's funny. वो क्या जैसे वो नहीं मैं पैड ने बनाया था. अच्छा छोड़ो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं. ऑनलाइन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम. क्या बात, कौन से ऑनलाइन? डम डम प्रोडक्ट्स. डम मतलब डम डमा डम डम डमा डम. अच्छा मुझे ना डम वो डमरू दिखाएंगे. सेंसिबल कह रहे बच्चा ऐसी बात कर सकता है और कैसी बात कर सकता है. अभी तुम्हें खुर्दे पहले बोला तुम 90s के बॉर्न नहीं हो. खुर्दे थोड़ी देर पहले बोला कि तुम 90s के बॉर्न हो. किसी की प्रॉब्लम के सर से मजाक नहीं उड़ाते.
मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं है कि मैंने कभी ऑनलाइन शॉपिंग करती ही नहीं हूँ. मेरे को विंडो शॉपिंग करने में ज्यादा मजा आता है. मुझे वीर ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा करता है और वीर को मजा आता है. और वीर के साथ हुआ होगा ऐसा सब. नहीं मैं ये प्रोडक्ट क्यों मंगवाऊं, बेवकूफ हूं मैं. पैसे 10 रुपए मिलते हैं और 10 रुपए में 10 रुपए तो 20 रुपए तो उसके आने के लग जाते हैं. फिर 40 रुपए जीएसटी पीएसटी कट जाती है. और प्रोडक्ट वैसे एक हाँ एक हुआ था मेरे साथ. मैंने ना मुझे पता था ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है. बहुत शॉपिंग करता हूँ लाइक प्रोडक्ट डेफिनेटली ही हैज दैट एक्सपीरियंस. एक प्रोडक्ट था वो देखने में काफी अच्छा लग रहा था. मतलब वो एक स्टैंड था ऐसे पूरा और मतलब वो ऐसे दिखा रखा था आप क्लिप लगाओ और आगे फोन ऐसे लग जाएगा आपके आगे. और जब आया तो मुझे लगा लेजी स्टैंड और लेजी ही गिफ्टेड मी दैट स्टैंड बिकॉज सारे मुझे गिफ्ट करता है. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है. मैं गिफ्ट करती हूँ उठा ले जाती है और वापस नहीं देती. मैंने खेल पहन लेकर गई थी बोला था लेकर गई थी और आप लोगों का भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा जब आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया होगा और आपको प्रोडक्ट का सेटिस्फेक्टरी नहीं लगा होगा तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. शेयर करोगे तो शेयर करो. अगर आप लोगों को जैसा एक्सपीरियंस है तो प्लीज गाइस हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, करते रहिए क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है. मत रहिए एक बार कर लिया तो उसके साथ दोबारा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है. वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए. सही बात है. नीचे कमेंट भी ठोकते रहो. दमाए दम दम दमा दम. कमेंट आप जितने कर सकते हैं जैसे कि आप कहते हैं कि आप सजेस्ट करके अपने कमेंट में ही बताएंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा. आपकी फेवरेट वीडियो पे हम लोग रिएक्ट करें तो उसके लिए तो आपको डेफिनेटली कमेंट करना पड़ेगा या फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करना पड़ेगा. एंड आप होस्ट में आके भी सॉरी होस्ट आप डिस्कॉर्ड में आकर भी हमें मैसेज कर सकते हैं. ये पहले से ड्रैगन बोल के दिया आज होस्ट बोलना क्या चाहते हो भाई. कभी कभी हो जाते हैं. सो टिल देन मोबाइल गाइस साइनिंग आउट. बाय बाय.